ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक 3 अक्टूबर 1971। निर्माणता के गुण से विश्व निर्माता। बाप दादा ने निर्माणता के गुण से विश्व का नव निर्माण होने जा रहा है इसके ऊपर अपने महावाक्य उचारे हैं। आज बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? आप कौन हो? आज बाप दादा आपको किस रूप से देख रहे हैं ये जानते हो? मास्टर नॉलेजफुल नहीं हो? जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो यह नहीं जान सकते हो कि बाप किस रूप में देख रहे हैं? बच्चे तो हैं ही, लेकिन किस रूप में देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं कि इतने सभी विश्व निर्माता हैं। विश्व के निर्माता हो, बाप के साथ साथ बाप के कर्तव्य में मददगार हो। नए विश्व का निर्माण करना यही कर्तव्य है ना? उसी कर्तव्य में लगे हुए हो, वह अभी लगना है। बाप दादा ने बच्चों से क्वेश्चन किया है कि आपने विश्व निर्माण के कर्तव्य में लग चुके हो या अभी लगेंगे? तो विश्व निर्माता नहीं हुए, सदैव यह स्मृति में रहे कि हम सभी मास्टर विश्व निर्माता हैं। बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि आप यदि अपनी स्मृति में रखेंगे कि हम मास्टर विश्व निर्माता हैं तो आप सदैव निर्माण रहेंगे। यही स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? बच्चों ने कहा निर्माणता का। समझा? और यही निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी। ये स्वभाव हमारा निर्माणता का और सरलता का, बाबा कहता है आपका नेचुरल स्वरूप बन जाए। जब आपका ये नेचुरल स्वरूप बन जाएगा तब क्या रिजल्ट होगी? वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे, क्योंकि एक गुण के साथ अनेक गुण आ जाते हैं, एक अवगुण के साथ अनेक अवगुण आ जाते हैं। इसलिए इस गुण को धारण करने से अनेक गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो कि हम नए विश्व के मास्टर नवनिर्माता हैं। फिर यह जो छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, ये बातें ऐसे ही अनुभव होंगी जैसे कोई बुज़ुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देवें व कुछ भी ऐसा कर्तव्य भी करें जो बुज़ुर्ग लोग समझते हैं कि निर्दोष हैं, अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब मास्टर विश्व निर्माता अपने को समझेंगे तो ये माया के छोटे छोटे विघ्न
बच्चों के खेल के समान लगेंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन के अनजानपन में नाक कान भी पकड़ ले तो क्या जोश आएगा, और ही बुजुर्ग हंसेंगे, क्योंकि समझते हैं बच्चे निर्दोष अनजान हैं, उनका कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या व विघ्न व परीक्षा पेपर बन कर आती है तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। माया ही आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है तो निर्दोष के ऊपर क्या होता है, तरस रहम आता है। इस रीति से कोई भी आत्मा निमित बन जाती है, लेकिन है निर्दोष आत्मा। अगर उस दृष्टि से हर आत्मा को देखो तो फिर पुरुषार्थ की स्पीड कब ढीली हो सकती है। हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। चढ़ती कला में जाने के लिए ये समझने की कला आनी चाहिए। 16 कला संपूर्ण बनना है ना, तो यह भी कला है। अगर इस कला को जान जाते हैं तो चढ़ती कला ही है, वह कब रुकेगा नहीं, उसकी स्पीड कब ढीली नहीं हो सकती, हर सेकंड में तीव्रता होगी। और अपने अभी रुकने का समय भी क्या है, बाबा ने क्वेश्चन किया कि रुक रुक के चलने का कुछ समय है, अब स्पीड चाहिए। रुक कर उन आत्माओं के कारण और निवारण को हल करने का अभी समय है। अभी तो बड़े बुजुर्ग हो गए हो, अभी तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। अपना घर सामने दिखाई नहीं देता है क्या? आखिरी यात्रा समाप्त कर घर जाना है। कोई भी बात भिन्न भिन्न रूपों भिन्न भिन्न बातों से सामने जब आती है तो पहले ये समझना चाहिए कि इन समस्याओं व भिन्न भिन्न रूपों की बातों को कितना बार हल किया है और करते करते अनुभवी बने हुए हो। कितने बार के अनुभवी हो, याद है, अनेक बार किया है। यह याद आता है कल पहले पास किया है, क्रॉस किया होगा, क्रॉस किया था व किया होगा। बच्चों कह रहे हैं कि माया के रूप हर कल्प में आपके सामने आए हैं और आपने क्रॉस किए हैं, तो यदि ये बुद्धि में रहेंगे तो आप विघ्नों से घबराएंगे नहीं। ये नहीं समझते कि अगर अनेक बार ये अनुभव नहीं किया होता तो आज इतने समीप कैसे आते। ये हिसाब लगाना नहीं आता, पांडव तो हिसाब में होशियार होने चाहिए।
लेकिन शक्तियाँ नंबर वन हो गई। यह स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में रहे, खींचना न पड़े। अगर कल्प पहले की बात अभी तक बुद्धि में खींच कर लाते रहते हो तो क्या कहेंगे? जो कोई माया की खिंचावट अभी है, इसलिए बुद्धि में कल्प पहले वाली स्मृति स्पष्ट और सर रूप में नहीं आती, और इसलिए ही विघ्नों को पार करने में मुश्किल अनुभव होता है। बाबा कहते हैं मुश्किल है नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है, परंतु केवल बुद्धि में रहे कि हमने ये मुश्किलें कल्प कल्प हल की हैं। जितना पुरुषार्थ का समय चला है, जितना नॉलेज की लाइट और माइट मिली है, उस प्रमाण वर्तमान समय सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इतना स्पष्ट हो जैसे कि एक मिनट पहले अगर कोई कर्म किया तो वह याद रहता है कि वह भी भूल जाता है, तो ऐसे ही 5000 वर्ष के बाद ऐसे स्पष्ट अनुभव हो जैसे एक मिनट पहले किया हुआ कार्य है। जैसे पावरफुल कैमरा होता है तो एक सेकंड में कितना स्पष्ट चित्र खींच लेता है, कितना भी दूर का दृश्य हो। ये भी स्पष्ट सम्मुख आता जाता है। तो क्या पावरफुल कैमरा मैन नहीं बने हो? कैमरा है कि दूसरे का लोन पर लेकर यूज करते हो? पावरफुल है। कल्प पहले के चित्र उसमें स्पष्ट आ जाते हैं। यह जो मन है यह एक बड़ी कैमरा है, हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता। कैमरा तो सभी के पास है, लेकिन कोई कैमरा नज़दीक के चित्र को खींच सकता है और कोई कैमरा चंद्रमा तक भी फोटो खींच लेता है। तो वह भी कैमरा है और वह भी कैमरा है, कैमरे तो दोनों हैं। और यहाँ की छोटी मोटी भी कैमरा तो है ना, तो हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। जब वह लोग चंद्रमा से यहाँ से वहाँ का खींच सकते हैं, तो आप साकार लोक में रहते निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का व इस सारी सृष्टि के पास्ट व भविष्य का चित्र नहीं खींच सकते हैं। कैमरा को पावरफुल बनाओ जो उसमें जो बात जो दृश्य जैसा है वैसा दिखाई दे। भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे, जो है जैसा है वैसा स्पष्ट दिखाई दे। इसको कहते हैं पावरफुल। फिर बताओ कोई भी समस्या का रूप होगा या खेल अनुभव होगा?
तो अब की स्टेज के अनुसार ऐसी स्टेज बनाओ। तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। अगर ऐसे कैमरा द्वारा चित्र पहले खींचते जाते हैं, उसके बाद साफ कराने के बाद मालूम पड़ता है कि कैसे खींचे हैं। इसी रीति से सारे दिन में जो अपने अपने ऑटोमेटिक कैमरा द्वारा अनेकानेक चित्र खींचते रहते हो, रात को फिर बैठकर क्लियर देखना चाहिए कि किस प्रकार के चित्र आज इस कैमरे द्वारा खींचे हैं। और जो जैसे हैं वैसे ही चित्र खींचे, व कुछ नीचे ऊपर भी हो गया। कभी कभी कैमरा ठीक न होने के कारण सफ़ेद चीज़ भी काली हो जाती है। रूप बदल जाता है, फीचर्स भी कब बदल जाते हैं। तो यहाँ भी कभी कभी कैमरा ठीक क्लियर न होने के कारण बात समस्या बन जाती है। उनकी रूपरेखा बदल जाती है, उसका रंग रूप भी बदल जाता है। यथार्थ का अयथार्थ रूप भी कब खींचा जाता है, इसलिए सदैव अपने कैमरा को क्लियर और पावरफुल बनाओ। अपने को सेवाधारी समझने से त्याग तपस्या सभी आ जाता है। सेवाधारी हूँ और सेवा के लिए ही ये जीवन है, ये समझने से सेकंड भी सेवा बिगड़ नहीं जाएगा। तो सदा अपने को सेवाधारी समझते चलो और अपने को बुजुर्ग समझना चाहिए। तो फिर छोटी छोटी बातें खिलौने दिखाई देंगे, रहम दिल बन जाएंगे, तिरस्कार के बदले तरस आएगा। अच्छा, ओम शांति।